को दूंगा। लगभग 10-11 वर्षों से मैं इस भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में विद्यार्थियों को ट्रेन करता रहा हूँ, IAS के विद्यार्थियों को खास करके। और अगर इस पूरे ऑब्जेक्टिव की बात करें गवर्नमेंट की, तो बनारस में मेरा अपना होम टाउन है, घर है, और 10-11 सालों में मैंने यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि थोड़ी सी सुविधाएं नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हर्डल्स, आर्थिक रूप से जो दिक्कतें होती हैं। मैं कोशिश करूंगा जून तक आप लोग की भारतीय राज्य व्यवस्था का पूरा टॉपिक मैं यहाँ पर कवर कराऊं। और जैसे जिस हिसाब से हम लोग ने प्लान दिया है, यहाँ पर अपनी टीम को यहाँ पर प्लान दिया है, परसों ही मुलाकात हुई थी कमिश्नर साहब से, तो मैं जिस हिसाब से ये चीजों को प्लान किया है उस हिसाब से लास्ट के 10 दिनों में केवल और केवल मॉक टेस्ट हम लोग लास्ट में कराएंगे। इससे होगा क्या, यू विल बी प्रिपेयर फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। अब देखो ध्यान से जरा देखो मेरी बातों को, दो तरीके से सुनना, क्योंकि मैं क्लास शुरू करूंगा फिर आप लोग से बाद में बातचीत करूंगा कि किस तरीके से आपको आगे करना है। पहला, क्लास शुरू करने के पहले क्लास के दो नियम होते हैं, वही पुराने, जहां आपको ना समझ में आए बिना किसी संशय के आप डायरेक्टली खड़े होकर के पूछेंगे कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए टॉपिक को, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम ये क्लास को शुरू करने का कि अपने मन में कोई डाउट मत रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन खराब है, क्वेश्चन पुराना है, क्वेश्चन पूछेंगे तो सर क्या बोलेंगे, है ना। लोग सोचते हैं कि सर दिल्ली पढ़ाते हैं, वहां पढ़ाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा लोग बोलते हैं कि फिर मन में डाउट नहीं पूछ पाते। ये बिल्कुल भी अपने मन में मत ख्याल रखिएगा कि सवाल पूछेंगे तो सर किसी अन्य डायरेक्शन में ले लेंगे, और सर किसी, आपका सवाल पूछना आपका हक है, क्योंकि सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब आपका सिलेक्शन होगा प्राथमिक तौर पर, ठीक। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि सरकारों का ये जो एफर्ट है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। एंड व्हाट इट विल क्रिएट नॉट ओनली प्रॉब्लम्स फॉर दी अथॉरिटी बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू कम इन दी कमिंग फोर्थ कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि आने वाले समय में जो एस्पिरेंट्स बाद में आएंगे, और उनको भी बड़ी दिक्कत होगी, उनको लगेगा कि चीजें सही नहीं चल रही। 1.5 घंटे के बाद, परहैप्स 2 घंटे के बाद, मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं, 2 घंटे के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ ऐसे डायमेंशंस पे हमारी आपकी चर्चा होगी जिसमें एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव पे काफी ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। हिंदी माध्यम के छात्र और अंग्रेजी माध्यम के छात्र, मैं इस बात को जरूर आपसे कहता हूं कि मैं, आप जब हिंदी में लिखवाऊंगा तो आप केवल हिंदी में लिखिएगा, और जब मैं इंग्लिश में लिखवाऊंगा तो केवल आप इंग्लिश में लिखिएगा। बहुत बेसिक सी बातचीत मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आप लोग के ऑनलाइन लेक्चर्स देखे, और उन ऑनलाइन लेक्चर्स में मैंने एक दो चीजें देखी हैं, वो ये देखी हैं कि जो आप लोग का टॉपिक कवर हो चुका है उसके आगे में चीजों को कवर करने का ऐसा निर्देश मुझे दिया गया, उसी के आगे से शुरू करते हैं और डिस्कशन उसी के हिसाब से शुरू कर। अभी तक मैंने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर कोई जिक्र नहीं हुआ है आपका, कि संविधान कैसे बना और क्या क्या चैलेंजेस थे संविधान को बनाते समय, व्हाट वर द चैलेंजेस। बिफोर दैट आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि पॉलिटी के आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। डायरेक्टली राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे डायरेक्टली लिंक होकर के आप एक्सपेक्ट करेंगे, लिंक होकर एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो मुझे आपको बताने हैं। पहला है भारतीय राज व्यवस्था में जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही है एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 103rd एंड 104th अमेंडमेंट जो हुआ है, 103वां और 104वां संशोधन जो हुआ, और या फिर 370 और 35A को लेकर के जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट हुआ है, वो तो आपके टॉपिक में है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी आपके टॉपिक में रहेगा स्टैटिक पार्ट में, लेकिन इससे आने के क्वेश्चंस आप लोग के इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट तो है ही है, लेकिन इनका रेलेवेंस आपके एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा है क्योंकि ये न्यूज में रहे हैं। तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो वो पूरे डायमेंशन में से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और जहां तक कोचिंग के बड़े बड़े दिग्गज हैं उन सबका कहना यह है कि
जो पढ़ाते हैं वही आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायमेंशंस के रूप में जो न्यूज में रहता है, यूपीएससी आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहता, यूपीएससी आपको क्या बनाना चाहती है कि बच्चा कितना अवेयर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, 125th एनिवर्सरी है। अरे बोली है सर। सुभाष चंद्र बोस की विमेन रेजिमेंट के ऊपर पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, और इस रिलेशन में आपसे पूछता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, वी विल बी कवरिंग द स्टैटिक पार्ट, हम तो स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। न्यूज़पेपर रीडिंग पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अभी प्रीलिम्स है, अभी क्या है आपका, प्रीलिम्स है जून में। तो जब मैंने आपसे कहा कि जून में प्रीलिम्स है आपका, तो उस जून में प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोग को सारी चीजों को कवर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि कभी आने वाले समय में 4 घंटे के लिए आप लोग को बुलाऊं, कभी 5 घंटे के लिए बुलाऊं, और उस हिसाब से हम लोग चीजों को प्लान करें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। उम्मीद करते हैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का सफर आज अच्छा लगेगा, और 1.5 घंटे के बाद आप मुझे बताइएगा कि पॉलिटी में आपको आज कैसा क्लास लगा। मैं पूरा भरोसा देता हूं आपको कि आप कहीं से भी पढ़े हो, और हमारी टीम बड़ी शानदार है, तो अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके आज की क्लास के बाद। चलिए, मुझे जहां तक बताया गया है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑलरेडी हो गया है, सर ऑलरेडी करा रहे हैं, उसके बाद से मैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाए। कलम वलम अभी एकदम मत उठाइएगा, केवल मेरी बातों को सुनिएगा प्यारे बच्चों, केवल सुनिएगा। ठीक है, जब लिखना होगा मैं पूरा लिखवाऊंगा नोट्स मेकिंग के साथ साथ, और एग्जाम में आप केवल यही नोट्स पढ़ के जाएंगे जो मैं आपको लिखवाऊंगा, और साथ में जो हैंडआउट्स यहाँ से हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। अरे क्लियर है? आवाज नहीं आ रही भाई, क्लियर है? अब शुरू करते हैं साहब भारत के संविधान की व्यवस्था के रूप में। तो कहानी उस भारत की है, करीब करीब 350 साल पहले एक सरकारी कंपनी भारत देश के अंदर आती है, कहती क्या है कि हमको तो सिर्फ व्यापार करना है, व्यापार के अलावा हमको कुछ और नहीं करना। धीरे धीरे वही सरकारी कंपनी कहने लगती है व्यापार करूंगी तो केवल और केवल मैं करूंगी, मेरे अलावा व्यापार कोई और नहीं करेगा। दोबारा बोल रहा हूं, 350 साल पहले एक सरकारी कंपनी भारत देश के अंदर आती है, कहती क्या है कि हमको तो सिर्फ व्यापार करना है, व्यापार के अलावा हमको कुछ और नहीं करना। धीरे धीरे वही सरकारी कंपनी कहने लगती है कि व्यापार करूंगी तो केवल और केवल मैं करूंगी, मेरे अलावा व्यापार कोई और नहीं करेगा। धीरे धीरे वही सरकारी कंपनी कहने लगती है, सत्ता भी मेरी, जज भी मेरा, मैजिस्ट्रेट भी मेरा, कोर्ट भी मेरा, और पूरी की पूरी सार्वभौमिक ताकत रहेगी तो केवल और केवल मेरी रहेगी। अब मुझे बताइए मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ? बड़ा स्वाभाविक सा है उत्तर, और आप जान करके बड़े खुश भी होंगे कि सर ये सब बातें तो मुझे पहले से पता है ना? लेकिन कहानी इस बात की नहीं है प्यारे बच्चों, कहानी है उस भारत की, उस लोकतांत्रिक देश के निर्माण की, जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को नहीं दी गई थी, उन मूलभूत सुविधाओं को भारत के लोगों को देना। भारत के लोगों को क्या, आप मुझे बताइए कि वोट देने का अधिकार पहले था क्या? लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, सारे के सारे लोग वोट नहीं दे सकते थे। और इनफैक्ट भारत के संविधान की बात एक्चुअली में लोग करते क्यों? व्हाई डू वी नीड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वी नीड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वी नीड टू मिटिगेट द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द गवर्नेंस एंड द गवर्नमेंट। शासन और जनता के बीच में जो एक प्रकार से विश्वास की कमी थी, उस विश्वास की कमी को हम लोग को दूर करना था, और भारत के एक ऐसे लोकतांत्रिक देश का निर्माण करना था जहां पर जनता जनार्दन अपने निर्णय को लेने में सक्षम रहे, यहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा भेदभाव ना हो, हम ये चाहते थे। इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे एंटायर एपिसोड में आपने इतिहास के पन्नों में देखा होगा कि इतिहास की कहानी शुरू कैसे हुई, बंगाल में राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ और उसके बाद धीरे धीरे चीजें पूरे भारत के अंदर फैलती। और वाई बंगाल, बंगाल में ही क्यों, उसके भी बहुत सारे कारण इतिहास में पढ़ा होगा कि बेसिकली वहां से लोगों को अपने अंदर धीरे धीरे जितने भी मूवमेंट्स थे इंडिया के वो बंगाल से पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले, बिकॉज डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सेंटर बंगाल हो चुका था उस टाइम। अरे यस यस सर,
अब इस पूरी पिक्चर को अगर गौर से देखा जाए तो खास करके 1857 के बाद द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति, इसके पहले तो आपने भी देखा, मैंने लेक्चर भी देखा ऑनलाइन, और उसके पहले तो आपने देखा होगा कि कंपनी का शासन चल रहा था। अरे किसका शासन था? कंपनी। तो 1857 के बाद प्यारे बच्चों हमने क्या देखता है कि अब कंपनी का शासन डायरेक्टली नहीं रहता, अब वो किसका शासन आ जाता है? क्राउन रूल का शासन भारत की व्यवस्था के रूप में आ जाता है। धीरे धीरे एडजस्टमेंट हुआ, धीरे धीरे चीजों को लेकर के हमारी समझ भी बढ़ती गई, और धीरे धीरे हम सब ऐसा भी देखने लग गए कि चीजें किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई खास करके संविधान के रूप में, जब बहुत सारे इनजस्टिस हमारे देश के अंदर होना शुरू कर दिया, आप किसी भी रिवॉल्यूशन को उठाइए, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उठाइए, चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन को उठाइए, अमेरिकी क्रांति को उठाइए, चाहे फ्रांस की क्रांति को उठाइए, इतिहास में रिवोल्ट तभी होती है जब उसके साथ अन्याय होता है। अरे यस, कुछ था आप तो आपने किताबों में पढ़ा होगा, हमारे जजेस को भी लोगों के अंदर, हमारे अगर जज बन के कोई जा रहा है एग्जाम पास करके तो हमारे लोगों को यूरोपियन ऑफेंडर्स को ट्राई करने से मना कर देते हैं, जिसमें आपने रिपन बिल पढ़ा होगा। अरे हाँ, और बहुत सारी चीजें आपने ये पढ़ा होगा, इल्बर्ट बिल जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, वो सारी चीजें। यानी कि हमारे देश के अंदर द सो कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर आया, और द सो कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर बेसिकली इस गर्व में आया था कि भैया हम इस भारत को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, और आने वाले समय में इस भारत को एक ऐसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे जिसमें पूरे विश्व को इस कॉलोनी के ऊपर गर्व होगा। बट इन रियलिटी हो क्या रहा था, भारत एक उपनिवेशवाद का शिकार बन चुका था। यानी कि व्हाट वी वर डूइंग, वी वर एक्सपीरियंसिंग दी ब्लंडर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। दे वर डूइंग व्हाट, वो केवल और केवल भारत की राज व्यवस्था के रूप में, भारत के अंदर शासन के रूप में लूट रहे थे। एक इंटेलेक्चुअल स्कॉलर इस बात को कहता है कि भाई अंग्रेज ना होते तो डेवलपमेंट ना होता, ऐसा लोग कहते हैं, अंग्रेज अगर ना होते तो डेवलपमेंट ना होता। बट इन रियलिटी मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर और थोड़ी बताता हूँ, और थोड़ा सा गहराई में बताता हूँ कि अगर अंग्रेज ना होते तो डेवलपमेंट ना होता, किसी भी देश के विकास के लिए उसको गुलाम बनाना जरूरी नहीं होता। जापान उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अरे यस, तो कहानी थी भाई उस भारत की, जहां पर हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था देश के अंदर अपनी नियमावली, हमको चाहिए थी अपने देश के अंदर अपने कानून प्रशासन, अपने कानून की व्यवस्था। और कहानी उस भारत की है जहां पर इस देश के अंदर एक ऐसे नियमावली का सिद्धांत हम बनाए जिस नियमावली के हिसाब से देश के शासन को तय किया जाए। अरे हाँ, उस सिद्धांत के रूप में भारत के अंदर एक शासन आने वाला था, और वो शासन था भारत के संवैधानिक शासन की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान की। किसकी बात कर रहा हूं? तो इसकी शुरुआत कैसे हुई साहब? 1895 में। कब साहब? 1895 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का एक बिल प्रस्तुत होता है, विधेयक जिसे हम लोग कहते हैं, और इस विधेयक के रूप में भारत के संविधान के विकास की बात कही गई है, और वो भी स्वराज के आधार पर। अरे किसके आधार पर? स्वराज। आपने ये भी देखा था कि स्वराज का नारा बाल गंगाधर तिलक ने बाद में भी दिया था, और कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। धीरे धीरे ये थोड़ी थोड़ी मांग और बढ़ती जाती है, और बेसिकली अभी 1895 से 1906 तक आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा, 1906 तक हमारा जो तबका था इतिहास में वो बेसिकली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के साथ साथ उतना क्लियर नहीं था। अभी हम लोग किस चीज में बिलीव करते थे? अभी हम लोग बिलीव कर रहे थे पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। यानी कि हम केवल और केवल सिद्धांतिक तौर पर किसी नियम को तोड़ करके अपने देश में व्यवस्था की मांग नहीं कर रहे थे। हम चाहते थे कि भाई सिस्टम में रहे, और सिस्टम में रहते हुए देश के अंदर कुछ बदलाव लाएं, और ये बदलाव कौन लाएगा? ये बदलाव अंग्रेजी हुकूमत ही लाने वाली थी। अब हम तो इस तरीके की मांग कर रहे थे, स्वराज के आधार पर चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन प्यारे बच्चों अंग्रेजों ने दिया क्या? अंग्रेजों ने 1916 के बाद से ऐसे ऐसे कानून देश के अंदर लाने शुरू कर दिए, जिसको आपने पढ़ा होगा किताबों में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, रौलेट एक्ट। अरे हाँ, रौलेट एक्ट में आपने देखा होगा
दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। उसके रिबेलियन के रूप में हम लोग पहुंच गए अमृतसर के मैदान में। बैसाखी का पर्व था और क्रांतिकारी व्यवस्था के रूप में अचानक से जनरल डायर आते हैं और गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। अरे हाँ, हम तो साहब अभी सिस्टम के अंदर रह करके सिस्टम को चेंज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके अगेंस्ट आप देखे आ रहे हैं हमारे देश में, उसके अगेंस्ट में आप दे रहे हैं अनब्रिडल्ड पावर्स, जहां पर हेवियस कॉर्पस लोगों को डिनाई थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण लोगों को मिल नहीं रहा था। अरे हाँ, हम चाहते थे कि भारत के अंदर नियमावली है और आप दूसरी तरफ भारत के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। तो इस पूरी पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हम सब हिंदुस्तानियों की बात कुछ ऐसी है कि जब अंधेरा हुआ तब रोशनी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जलियांवाला बाग हुआ इसी दौरान, और धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लग गया धीरे धीरे चीजें की, भैया ये सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, भारत के अंदर भारत की जनता का जो शासन है वो जनता को मिलना चाहिए। द रूल ऑफ लॉ, द एंटायर रूल ऑफ लॉ वाज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एनीबॉडी। भारत के अंदर ये शासन प्रणाली भारत के हिसाब से लोगों के अंदर होनी चाहिए। 1922-23 में हम क्या देखते हैं, भारत के अंदर बड़े कैरिज्मेटिक लोग हुआ करते थे। वेबर की थ्योरी पढ़ेंगे तो द वेबर कैरिज्मेटिक थ्योरी पढ़ते हैं। 1922-1923 में प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। अरे कौन? अच्छा, 1915 में 9 जनवरी के दिन उनकी एंट्री हो चुकी। उसी के पर्व में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अरे बोलिए। हाँ जी, तो 1922-1923 में गांधी की एंट्री आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेस वैल्यू के रूप में होती। यहां पर गांधी क्या कर रहे हैं, 1922 में कहते हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया टू रियलाइज देयर ओन एम्बिशन, नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के अंदर अब भारत को संविधान के ऊपर बढ़ना चाहिए, स्वराज का जो मॉडल है उसको प्रस्तुत करना चाहिए। और हमारे देश के अंदर बेहतरीन लोग जैसे मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ऐसे बेहतरीन बेहतरीन लोग भारत के संविधान की मांग करते हैं। तो हमने देखा 1895 में सबसे पहले इस बात की शुरुआत किस रूप में हुई, बाल गंगाधर तिलक और बेसेंट के स्वराज बिल के रूप में। नाउ व्हाट वी सी 1922-23 में हम क्या देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, अरे कौन सा, एंड मोतीलाल नेहरू इस डिमांड को रेस करते हैं। गांधी के बारे में खास करके हर साल एक पेपर में बड़ी अच्छी सी पिक्चर आती है, क्योंकि जिसको जिसको गांधी समझ आए हैं, गांधी ही वाज वन ऑफ द कैरिज्मेटिक लीडर। जब भारत के अंदर आते हैं तो जुम्मा जुम्मा एक ही साल हुए गांधी को आए हुए भारत में, और आते ही चंपारण किया, अहमदाबाद किया और खेड़ा किया। गांधी रियलाइज्ड द वेरी फैक्ट कि भारत के अंदर अगर अहिंसा को हम आगे बढ़ाएंगे तो जो भीड़ मेरे पीछे चल रही है कल को मेरे पीछे भीड़ नहीं चलेगी। सबसे बड़ा चैलेंज गांधी के सामने ये था, द राइज ऑफ कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर एक जागरूकता की भावना आए, कॉन्शियसनेस जागे लोगों के अंदर और लोग जाने द रियल फेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, भारत के अंग्रेजी हुकूमत का वास्तविक चेहरा लोग पहचान। यही गांधी अहिंसावादी हुआ करते थे अभी तक, लेकिन जब गांधी बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट और उस दौरान ये आगे बढ़ते हैं तो गांधी ने भी नारा दिया, डू और, अरे दिया कि नहीं दिया। तो उसके अगेंस्ट में जब गवर्नर ने पूछा कि ये तुम क्यों ऐसा, तुम तो गांधी अहिंसावादी हुआ करते थे, ऐसा क्यों बोल रहे हो गांधी, तो गांधी ने कहा I believe in non-violence, but this is the result of the draconian policies which have been made by the British Empire. ये result था आपके अंग्रेजी हुकूमत के शासन का। आज तुमसे मैं कहूं कि चलो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और वहां पे लाठीचार्ज हो गया, पुलिस प्रशासन में आप जाएंगे और वहां पर अगर ऐसे कोई हुड़दंगी है तो उनको शांत कराया जाता है। पुलिस प्रशासन के अंदर भरपूर, अगर उनके पास कट्टा और बंदूक है तो इनके पास AK-47 होती है पुलिस प्रशासन के पास, और जब AK-47 गरजती है तो अच्छे अच्छे भीड़ वाले लोग पीछे हो जाते हैं। तो उस टाइम पर जो रियल फेस था ब्रिटिश एम्पायर का, वो रियल फेस ऐसा ही कुछ था। इस डेमोक्रेटिक नेशन में आप जानते हैं, इस डेमोक्रेटिक नेशन में, इस लोकतांत्रिक भारत में आप कहीं पर भी खड़े होकर के आंदोलन कर सकते, पूरी आजादी है साहब आप, अरे है। तो कहानी है उस भारत की जहां पर संवैधानिक रूप से भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना था जिस राष्ट्र का निर्माण भारत की जनता में वो विश्वास प्रदान करे जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हो सका।
1895 में साहब स्वराज की बात हुई साहब, 1922-1923 में मोहनदास करमचंद गांधी एंड मोतीलाल नेहरू, और इतिहास में आप पढ़ेंगे कि लॉर्ड बर्किन हेड ने हम लोग को चैलेंज किया कि क्या भारत के लोग इतने समझदार और इतने पढ़े लिखे हैं कि भारत का संविधान तैयार कर सकते हैं। उसके रिटेलिएशन में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करके दे दी। अरे हाँ, इतिहास के पन्नों में वो भी आप पढ़े। बहरहाल संविधान की मांग शुरू हो चुकी है 1895 में। अरे कब साहब? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट की कौन से मॉडल में? स्वराज के बिल के रूप में। 1922-1923 में मोहनदास करमचंद गांधी और मोतीलाल नेहरू ने इस बात को उठाया। 1934 में कलकत्ता में कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, जिसके एक बड़े फेमस लीडर हुआ करते थे मनवेंद्रनाथ रॉय। क्या नाम था? मनवेंद्रनाथ रॉय। मनवेंद्रनाथ रॉय ने भी कहा कि भारत के लोग अंधे क्यों हैं, क्यों नहीं अपने संविधान सभा की मांग करते? Why are they not asking for their own constitution assembly that will create their own constitution? भारत के लोग अपने संविधान सभा की मांग करें जो भारत के संविधान को बनाए। अरे किसके संविधान को बनाए? भारत के संविधान को बनाए। तो 1934 में हम एक कम्युनिस्ट रूलर को देखते हैं, मनवेंद्रनाथ रॉय। कहां पर साहब? कहां पर? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। धीरे धीरे ये मामला और आगे बढ़ता है। 1935 में हम क्या देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1935 से लेकर 1938 तक भारत के अंदर पार्टी के हर स्तर पर संविधान की मांग को उठा रहे थे। 1934 से 1935 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की मांग भारत के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू कर रही थी। अब इस पूरी पिक्चर को देखो और देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, क्योंकि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। 1939 में विश्व में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बदलाव आया, वेरी सिग्निफिकेंट। आप देखिए, गांधी की एंट्री 1915 में हो रही थी, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर। अरे हो रही थी? Yes, sir. अब गांधी ऑलरेडी अपना पेस बना चुके हैं। अरे हाँ, yes, 1939 में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और बड़ा बदलाव आया। हिंदी में कहा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब बताओ क्या हुआ होगा? शाबाश, जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर। अरे हाँ, अब अपने को तो इससे मतलब था नहीं। अपने को किससे मतलब था? ब्रिटेन से। अरे किससे मतलब था? ब्रिटेन से। अब जर्मनी, जापान और इटली के बीच में 1940 में हम क्या देखते हैं, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन होता है कि हम आपके सारे जितने भी लोग हैं हम आपका साथ देंगे, और किसी भी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जापान, इटली और जर्मनी एक रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जापान, इटली, जर्मनी एक तरफ, और पूरा का पूरा विश्व युद्ध, करीब करीब 61 देश जो इस युद्ध में शामिल हुए उसके खिलाफ हो गए। अरे हाँ, तो जापान, इटली और जर्मनी। अरे हाँ, जैसे ही हमने देखा पोलैंड का साथ देने के लिए पूरा विश्व खड़ा हो गया। पोलैंड का साथ देने के लिए पूरा विश्व खड़ा हो गया, साथ में ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। अरे कौन शामिल हो गया? ब्रिटेन। अब मुझे बताओ, भारत के अंदर शासन किसका था? किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन। जब मैंने कहा ब्रिटेन का शासन था भारत के अंदर, तो प्लीज मुझे जरा बताइए, क्या ये सही मौका नहीं है भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन को और तेज करने का? बिल्कुल तेज करने का आंदोलन। इसी दौरान हम देखते हैं 1939 और 1940 के बीच में सुभाष चंद्र बोस का एक बड़ा अच्छा रोल आता है सामने इतिहास के पन्नों में। खास करके आप देखेंगे कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, और क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि अभी अंग्रेज युद्ध में बिजी हैं, क्रांतिकारी आंदोलन को तेज किया जाए। अरे हाँ, 1939 में सुभाष चंद्र बोस, आप देखते हैं 1939 और 40 के बिगनिंग में आप देखते हैं सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर के चले जाते और कहते हैं कि मैं खुद अपना कुछ करूंगा, और बंगाल में जाकर हॉलवेल मॉन्यूमेंट्स को हटाने की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो 1940 में चीजें थोड़ी बिगड़ने शुरू हो गई थी, और भारत के अंदर जितने भी क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे उन्होंने अपना एक अच्छा खासा मन बना लिया था कि हाँ भाई, अब इस फ्रीडम स्ट्रगल को हमको थोड़ा सा दूर करना।
हम देखते क्या है 1940 के आसपास लगभग कि भारत के अंदर इस चीज को समझते हुए 1940 में 1940 में एक अगस्त ऑफर आता है, कहता है कि देखिए हम आपकी मांग को थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे, लेकिन साहब ये युद्ध के बाद। अरे किसके बाद? मतलब आप समझिए कि आप किसी यहां से निकलते हैं, किसी बच्चे को बोलते हैं कि देखो यार मैं तुमको तुम्हारी फीस भरूंगा, तुम्हारे एग्जाम में निकलवाऊंगा, तुमको कार दिलाऊंगा, तुमको सब कुछ दिलाऊंगा, लेकिन कब एग्जाम पास करोगे तब? और इसकी कोई रियलिटी नहीं है कि वो एग्जाम पास करे ना करे। तो इट वॉज एक्चुअली कॉल्ड अ पोस्ट डेटेड चेक। एक प्रकार से कहा जाता है कि अगस्त ऑफर जो है वो एक प्रकार से पोस्ट डेटेड चेक के रूप में देखा गया और बहुत सारी चीजें उस रूप में देखी गई। यहां पर एक चीज जो आपको जाननी है 1939 के बाद से एक सबसे सिग्निफिकेंट चीज हुई। लॉर्ड लिलिथगो ने, जो उस टाइम पे गवर्नर था आप जानते हैं, लॉर्ड लिलिथगो ने हमसे बिना पूछे भारतीयों से भारत को बता दिया कि युद्ध में वो शामिल है। तो यार ये युद्ध हो क्यों रहा था? ये युद्ध बेसिकली हो रहा था किस लिए? ये युद्ध हो रहा था भारत की आजादी के लिए नहीं, ये हो रहा था जितने भी ड्रेकोनियन इन्वेजन्स हुए हैं अंग्रेज, जो आजकल जापान इटली और जर्मनी जिस तरीके की पॉलिसी अपना रही थी वो पॉलिसी भारत नहीं पूरे विश्व के लिए अच्छी नहीं थी। और अंग्रेज क्या कर रहे हैं देश के अंदर? अरे क्या कर रहे हैं अंग्रेज? सेम यही चीज कर रहे हैं। तो जो आजादी की लड़ाई ये है वही आजादी तो भारत के अंदर लोगों को नहीं मिल रही साहब। तो इसके अवज में हम लोग ने मंत्रालय से इस्तीफा दिया, जो सिस्टम में बिलीव कर रहे थे वो चुनाव करके गए अंदर और उस मंत्रालयों से हमने इस्तीफा दिया और भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन अब तीव्र गति से होने वाला था। आप देखते होंगे 1939 से लेकर के 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला। अरे कब तक चला वर्ल्ड वॉर? 1939 में से 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला। और आपने एक बड़ी अच्छी चीज देखी होगी साहब कि 1939 से लेकर के 1945 तक भारत के अंदर बड़ी तेज आंदोलन चलाए हैं। अरे हाँ, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए, अरे हाँ जापान इंडियन नेशनल आर्मी राज बिहारी बोस, अरे हाँ लेकर के भारत की तरफ आने लगे। दूसरी तरफ भारत के अंदर गजब के आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, अरे हाँ जो गांधी अभी तक अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे वो गांधी ने भी नारा दिया डूअर करो नहीं करो या मारो, मारो नहीं मारो इस गोरी हुकूमत को, अंग्रेजी हुकूमत को सत्ता से उखाड़ करके फेंक। इस पूरी पिक्चर में आप देखते हैं, खास करके इसका जिक्र आपको इतिहास में मिलेगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान था कि इस पूरे चीजों को थोड़ा सा एक समराइज कर दे। अब यहां से तुम्हारी पॉलिटी की मॉडर्न डेवलपमेंट शुरू हो जाती है प्यारे बच्चों। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, छोटे छोटे से दो बम गिरा दिया जाता है, कहां कहां पर? हिरोशिमा और नागासाकी। जो जापान अभी तक कह रहे थे, मैं किसी जापान का जो नेता था हिरोहितो, वो कह रहा था कि मैं किसी देश से डरने वाला नहीं हूं, कोई भी आ जाए मैं सबका सामना कर लूंगा। पहला बम गिरा और संभलने का मौका नहीं दिया गया, दूसरा बम उसने बिना शर्त समझौते के लिए अपने आप को पेश पुरस्कृत कर दिया, कहा कि मैं बिना शर्त समझौते के लिए तैयार। 1945 युद्ध क्या हो गया? युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब भारत के लिए अच्छा है कि खराब है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भारत के लिए अच्छा है कि खराब है? बढ़िया बढ़िया किताबें अगर आप पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी किताबों को अगर आप देखेंगे, तो इस पूरे 1945 के ईयर में बहुत सारी चीजें हुई। 1945 आपने देखा होगा वॉर के बाद ही यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है, संयुक्त राष्ट्र का फॉर्मेशन होता है। अरे हाँ वो आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, 1945 में संयुक्त राष्ट्र का फॉर्मेशन होता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि विश्व के अंदर शांति की स्थापना हो। अरे किसकी स्थापना हो? और उसी 1945 में आप देखते क्या है कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है। अब मुझे एक ईमानदारी से बताओ, मुझे एक ईमानदारी से बताइए कि 1945 में, खास करके 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो उसके आफ्टरमैथ में, उसके बाद इकोनॉमी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। अरे हाँ, जब भी युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था गिरती है ना, बढ़ती नहीं।
गिरे, तो आप मुझे बताइए विश्व में सरकारें रहेंगी कि चेंज होगी? और ऐसी एक पार्टी थी लेबर पार्टी ब्रिटेन में, वो पावर में आ जाते और उसके क्लीमेंट एटली जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। कौन सा? 1946 में क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन जाते। लेबर का रिलेशनशिप बड़ा सीमेंट से होता है, तो उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, क्लीमेंट एटली। क्या नाम है उनका? क्लीमेंट एटली। आते ही घोषणा करते हैं कि भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला भारत स्वयं करेगा, 1946। तो इनकी घोषणा के बाद, प्रोक्लेमेशन के बाद, भारत के अंदर कैबिनेट मिशन का दस्ता आता है। अरे कौन से मिशन का? अब यहां से तुम्हारी पॉलिटी जो है वो ड्राफ्ट के रूप में तैयार होने शुरू होती। तो 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मुझे बताइए। और जो बच्चे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूं उनके कमेंट्स में पढ़ता हूं बच्चों के, मैंने वो कमेंट्स भी पढ़े हैं और बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी है। चीजें शुरू हुई है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे चीजें वैसे ही बढ़ती जाएंगी और क्वालिटी और इंप्रूव होती जाएगी। मुझे लगता है, जहां तक मेरा अनुमान है, हफ्ते भर में आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बोर्ड दिखने लग जाएगा। और बिना निश्चिंत होकर के आप सारी चीजों को शासन देख रहा है, बकायदा कमिश्नर सर इस बात को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो क्लैरिटी के रूप में स्मार्ट क्लासेस भी चीजें शुरू होने लग जाएंगी। तो 5 मिनट के लिए रिकॉल करते हैं। 1895 में सबसे पहले इस बात की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और किस रूप में प्यारे बच्चों? 1922-1923 में, 1934 में किसने शुरू किया? एमिल रॉय ने शुरू किया। किसने शुरू किया? अब मुझे बताइए 35 में देश के अंदर लिखना बंद करो, एक मिनट एकदम लिखना बंद कर दो प्लीज। कोई लिख तो नहीं रहा? नो सर। कोई समय की जल्दी है? नो सर। मेरा अपना क्षेत्र है, मेरा अपना शहर है बनारस, हमारा करियर तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। शासन से हम लोग को भी पुरस्कार मिलेगा वो आप ही के ऊपर है, अगर आप यहाँ सिलेक्शन हो ले लेते। ठीक है, क्या लेते हैं? सिलेक्शन। तो ये याद रखना, आपका करियर मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरा करियर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सिलेक्शन के लिए इसीलिए थोड़ा जान लगाने की जरूरत होती है। और जो टीचर कह रहे हैं एकदम लिखना नहीं, ठीक है, केवल सुनना है, जल्दबाजी नहीं, पूरा लिखवाएंगे भाई आप। ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं। 1895 में किसने? 22-23 में, 1934 में, 35 में, 35 से 38 तक उन्होंने डिमांड उठाई। 1939 में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो गई। क्या हो गया? हमारे लिए अच्छा था कि बुरा था? अब ब्रिटेन को युद्ध में शामिल होता हुआ देखा, क्रांतिकारी आंदोलन हमने तेज किए। 45 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया। कौन कब खत्म हो गया? 45 में। हमारे लिए अच्छा था कि बुरा था? अच्छा। क्यों? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज। एग्जैक्टली, वर्ल्ड ऑर्डर वाज अबाउट टू चेंज। नाउ द होल कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा जो दिमाग था, पूरा का पूरा जो पूरे विश्व की जो निगाहें थी, वो एक शांति की तरफ बढ़ने को मांग कर रही थी। क्योंकि हुआ क्या था ना कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद। तो लीग ऑफ नेशन के फेल होने के बाद हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि इस यूनाइटेड नेशन को फेल ना हो, कोई यूनाइटेड नेशन फेल ना हो, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी वर्ल्ड इंटरनेशनल फोरम के सामने कि भाई विश्व के अंदर एक शांति आए, है ना। तो 1945 के बाद हम क्या देखते हैं? 1945 के बाद इकोनॉमिक हर्डल्स के कारण ब्रिटेन में गवर्नमेंट बदल जाती और क्लीमेंट एटली पावर में आते हैं। अब कोई नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चीजों पर रिस्क नहीं लेंगे, पुराने प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है। नए प्रधानमंत्री आते हैं कि नहीं भैया तो भारत तो जल रहा है। आपने देखा होगा इंडियन नेशनल जो नेवी थी उस टाइम पे म्यूटिनी कर चुकी थी। अरे हाँ, INA ट्रायल्स हो रहे थे उस टाइम, और INA ट्रायल्स के विरोध में जनता सड़क पर थी। भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वास्तविकता में समझ चुका है साहब कि ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेज हैं, कहीं विदेश से आए भारत के आदमी नहीं। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ भूरा साहिब एंड गोरा साहिब, जो गोरा साहिब और भूरा साहिब हुआ करते थे, वो साहब अब वास्तविकता में उनको समझ में आ गया था कि हमारे अपने जो है वो भूरे हैं और जो विदेश के आए वो कौन है? अरे हाँ। और अब भारत के अंदर एक बड़ी अच्छी सी बात कही है मॉडर्न हिस्ट्री में,
कभी आप पढ़ते होंगे तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। तो जब राइज ऑफ कम्युनिज्म हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बाद चाइना में, तो चाइना में प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जब राइज कर रही थी तो उसने एक बात कही थी, किसी देश में जेडाउन ने एक बात कही थी, किसी देश का अगर नागरिक विद्रोह कर दे तो उस देश में कोई सरकार नहीं चल पाएगी। अरे हाँ, आज गवर्नमेंट चल रही है तो उसमें सर्वभौमिक वयस्क मताधिकार देकर के, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देकर के, यू हैव इलेक्टेड अ गवर्नमेंट। अरे हाँ, और आपने उस सरकार को चुना है और वो सरकार आपके हिसाब से शासन करेगी साहब, यही तो खूबसूरती है इस देश की। अरे हाँ, शासन अच्छा नहीं करी सरकार तो उसको उठा करके फेंक देगी सरकार, नई सरकार आ जाएगी साहब। अरे हाँ, सरकार अगर एफर्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब यह है कि भाई देश के अंदर राज्य में जनता जो है देखेगी उसको, अगले चुनाव में हम उसका आकलन करेंगे। बी आर अम्बेडकर ने यही तो कहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व चरित्र में न्याय संगत नहीं है, इट इज नॉन जस्टिशियबल इन कैरेक्टर, बट दोज गवर्नमेंट विच विल नॉट अबाइड बाय दीज प्रिंसिपल, जो सरकार इन सिद्धांतों पर नहीं चलेगी अगले चुनाव में जनता उसे स्वयं उत्तर देगी। अरे बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? यही बात भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग को समझने की जरूरत है। 1946 में हम क्या देखते हैं, ब्रिटेन से एक दस्ता आया जिसका क्या नाम था, कैबिनेट मिशन। फिर से बोलिए, क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। 1946 कौन सा मिशन था? अच्छा, एक इतिहास में तुम पढ़ोगे किप्स मिशन भी आया था, वो फेल इसलिए हो गया था कि मुस्लिम लीग ने कुछ अलग डिमांड कर दी थी। अरे हाँ, खैर वो इतिहास के पन्नों में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मुझे बताइए, कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को और वास्तविकता में भारत के राज व्यवस्था को तय करने के लिए तो आया था, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तय करने के लिए आया था। अरे कौन से डिस्कोर्स? पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तय करने के लिए आया था 1946 में। अरे आया था, तो इसके अंदर कुल मिलाकर के तीन लोगों का सदस्य, तीन लोग थे साहब, पहले जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, अरे क्या नाम था साहब, पैथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति अलेक्जेंडर और तीसरे व्यक्ति स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अरे हाँ, और जो पैथिक लॉरेंस थे वही इसके मुखिया थे साहब। मुख्य तौर पर इन्होंने दो चीजों का सुझाव दिया, पहला, ऐसे तो बहुत सारे सुझाव दिए लेकिन जो सुझाव मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेड था और कांग्रेस को भी एक्सेप्टेड था, उन दो सुझावों में से दो सुझाव ये थे, अंतरिम सरकार का गठन। अरे किस सरकार का? तो ईमानदारी से जरा इधर देखिए साहब, ताकि एग्जाम है थोड़ा करीब रहे आप लोग, कौन सा मिशन आया था? आवाज नहीं आ रही, कौन सा? कॉल करके आया था कि बिना कॉल किया आया? कॉल करके आया, है ना? सी से तुम्हारा क्या होता है? क्रेप्स। ए से होता है अलेक्जेंडर और एल से क्या होता है? लॉरेंस। पहले व्यक्ति थे उनका नाम था क्रेप्स, क्या नाम था साहब उनका? दूसरे व्यक्ति का नाम और तीसरे व्यक्ति का नाम लॉरेंस। ठीक है, अभी जून में पेपर है, ठीक है, तो क्लास के अंदर ही सीखते हुए चलना है। अभी बहुत चीजें क्या है कि हो सकता है हम लोग आपको रात में इवनिंग में ऐसे क्लासेस के लिए 6-6 घंटे के लिए बुलाएं, क्योंकि सेलेक्शन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को लेकर। अरे हाँ, तो भाई अगर आप 2 कदम चलेंगे तो हम लोग 5 कदम चलने के लिए तैयार है, चलेंगे ना? Yes, sir. तो 5 मिनट के लिए फिर से रिकॉल कर दो सर, 1895 में कौन थे? 22-23 में, 34 में इस बात में सबने, अच्छा भाई 35 में किसने उठाया? कांग्रेस ने। 39 में क्या हो गया बेटा? अच्छा, होता क्या है ना कि हम आपके चेहरे को रिफ्लेक्शन के रूप में देखते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना क्लासेस के अंदर जिन्होंने अभी शुरू किया है, है ना? तो निश्चित रूप से आप एकदम बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है? घर आप जाएंगे तो केवल आपको नोट्स पढ़ना है जाकर, ओके? बहुत बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अरे सर तो यूनाइटेड नेशन पढ़ा रहे, सर तो ये पढ़ा रहे, सर तो वो बता रहे, इसमें होगा क्या ना, बच्चा डर जाएगा। और कभी डर के आगे आदमी एक बार डरा दिया जाता है ना बच्चों को, तो बच्चा कभी सेलेक्ट नहीं हो पाता बेटा। ये मैं ये नहीं कह सकता कि पेपर बड़ा आसान है, पेपर उनके लिए आसान है
जिनको चीजों को समझ के आधार पर समझना चीजों को सीख गए हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो अभी आपने हिस्ट्री पूरा पढ़ा है पहले, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एंशियंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या होगा, मेडिवल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या होगा, वो सब लोगों ने पढ़ाया होगा। 1895 से साहब ये कहानी शुरू हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात। 22-23 में हमने देखा, 34 में हमने देखा, 35 में हमने देखा, 39 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म, वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 46 में, 45 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया, और 46 में क्लीमेंट एटली की घोषणा आती है, कहते हैं कि भारत, इंडिया वुड बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडिया शैल बी मेकिंग पॉलिसीज, अंग्रेजी हुकूमत के रूप में भारत अब एक लोकतांत्रिक रूप से अपनी नीतियां खुद बनाएगा। इस चीज को तय करने के लिए कौन सा मिशन आया? फिर से बोलिए, कौन सा मिशन? हाँ जी, कैबिनेट मिशन। अच्छा, 1895 में कैबिनेट मिशन का दस्ता भारत के अंदर आता है, ऐसा है? शाबाश, 1946 में आता है। अरे कब आता है? 1946 में आता। अच्छा, थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, यहां तक कितने लोगों के लिए आप दादी प्लीज शर्माई में, सारे बच्चों को क्लियर है? अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या? अच्छा ठीक, थैंक यू सो मच, तारीफ सुनने की आदत होनी चाहिए। 1946 में कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन आया। अच्छा भाई, कॉल करके आया था कि बिना कॉल किए? हाँ भाई, चलो कॉल करके आया है, है ना? क्या नाम थे इनके? क्रिप्स अलेक्जेंडर ऑफ। प्राथमिक तौर पर प्यारे बच्चों, इन्होंने दो सुझाव दिए। कौन से दो सुझाव थे? दो रिकमेंडेशंस प्राइमरी रूप से दिए। यस, पहला रिकमेंडेशन था अंतरिम सरकार का गठन। अरे किस सरकार का? अंतरिम सरकार का गठन। व्हाट डू वी कॉल इट? फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। अरे हाँ, और दूसरा रिकमेंडेशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन। ये भी तो एक असेंबली है। ये असेंबली किस लोगों की है? जो मेधावी छात्र हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से जो लोग चुने गए हैं एग्जाम के बल पे, ना, उन लोगों को, वाराणसी जनपद जो वाराणसी के लोग हैं, लोकल यहाँ के वही हैं। अच्छा, अभी होता क्या है ना कि कोचिंग जितने माफिया हैं, जितने भी कोचिंग माफिया हैं, वो फीस तो बहुत अच्छी ले लेते हैं, है ना, और बढ़िया बढ़िया फीस ले लेते हैं, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लेते हैं। और होता क्या है ना कि फिर बच्चे अपने खुल करके डाउट नहीं पूछ पाते। यही डिफरेंस है चीजों को लेकर। जब भी आप कोचिंग के अंदर जाते हैं तो कोचिंग को ऐसा वो मत समझिए कि बहुत बड़ा हवा है, लाइट लगी है, एसी लगा है यहाँ पर कमरे में और बहुत कुछ है। आप डायरेक्ट सवाल पूछिए जहां फंसते हैं। क्यों? क्योंकि आप चेहरा देखने के लिए यहां नहीं आए। अल्टीमेट गोल आपका क्या है? सिलेक्शन ले। अरे हाँ, मुझे बताओ ईमानदारी से, किस सरकार का गठन प्यारे बच्चों? दूसरा सुझाव था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन। अरे कौन सी असेंबली का? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन, संवैधानिक सभा का गठन। इस दोनों चीजों के लिए अभी देश के अंदर होने वाला है इलेक्शन। अरे क्या होने वाला है? इलेक्शन। तो साहब जरा देखते हैं, इलेक्शन कराते हैं 1946 में। अच्छा यार, एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि चीजों को समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के सारे लोगों का योगदान होगा, ऐसा है क्या? लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सारे लोगों का योगदान ना हो, लेकिन सारे लोगों की आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। तो हमने इलेक्शन कराए प्यारे बच्चों, क्या कराए? और इलेक्शन को हम इस सो कॉल्ड कहते हैं द ग्रेट इलेक्शन ऑफ 1946 का चुनाव। मैं कल वीडियो देख रहा था आप लोग की।